मैं नवीन कुमार सिंह, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। खास करके जो छात्र इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी बिहार के संदर्भ में आई है। हालांकि ये सिर्फ बिहार वाले बच्चों के लिए नहीं बल्कि बिहार से बाहर के भी जो छात्र हैं आईटीआई ट्रेड से, आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं, तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी इसलिए हो सकती है कि 2000 प्लस पोस्ट कि ये स्पेशल वैकेंसी है आईटीआई बेस्ड। तो सवाल ये उठता है कि अभी जैसे रेलवे की बात थोड़ा सा हम ले लें कि एएलपी टेक्नीशियन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग 20 से 22 रेलवे भर्ती बोर्ड है, वहाँ कुल मिला करके उतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है और यहाँ सिर्फ बिहार में इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए ही 2000 प्लस वैकेंसी है। इस परिप्रेक्ष्य में ये वैकेंसी आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो और बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 35% स्पेशल रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए है। तो बहुत सारे छात्र लगातार कॉल करते थे और ये एक बात हमसे पूछते थे कि सर जो बिहार एसएससी पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का सिलेबस है उसमें दो ही सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक ट्रेड में दूसरा कंप्यूटर सेक्शन में, क्योंकि 50% वेटेज यहाँ ट्रेड का है यानी 100 में से 50 क्वेश्चन सिर्फ ट्रेड से पूछा जाना है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से पूछा जाना है, यानी कि 100 में से 65 क्वेश्चन सिर्फ ट्रेड प्लस कंप्यूटर मिला करके, तो आप समझ सकते हैं इसका वेटेज क्या है। तो बाकी जो नॉन टेक सिलेबस है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस है, वो शुरू से छात्र लगातार वो पढ़ाई करते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं, तो उनके संदर्भ में थोड़ा प्रॉब्लम कम है। और कंपेरेटिवली अगर रेलवे से इसकी तुलना करें तो थोड़ा अंतर ट्रेड को लेकर के हो जाती है कि ट्रेड का बिहार स्टेट पावर होल्डिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका लेवल एएलपी के लेवल से कम 20-30% 40% ज़्यादा है इसका लेवल। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें और एएलपी या टेक्नीशियन का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, सारी बातें आपको ज्ञात हो जाएगी। तो ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये भी था कि सर अभी मेरे साथ में दोनों सर हैं जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, इंजीनियर सुजय सर और इंजीनियर आशीष सर जो आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ाते हैं, दोनों सर मेरे साथ में हैं। ये सर अपने अपने पेपर को डिफाइन करेंगे कि सिलेबस हमारा क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि दो अलग अलग मोड में जो दूर दराज के बच्चे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, एक बुद्धा करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर एक बैच हमने क्रिएट करा है जिसमें कि आपका स्पेशल ट्रेड प्लस कंप्यूटर ये दोनों को मिला के कंबाइंड बैच हम कर दिए हैं। मात्र 499 रुपया फी है और लगभग 3 महीने तक ये बैच चलेगा। 499 में 3 महीने आप पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से फी आपका ज़्यादा नहीं है और बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ाई मिलेगी और इसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग मोड में, लाइव मोड में दोनों मिलेगा और जो कंटेंट इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा वो भी ऐप को आप ऐप पर आपको 100% मिलेगा। तो ऐप अपना क्या है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में ये क्लास को, एक तो हमारा बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है लेकिन जो नए बच्चे ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं, चाहे गर्ल्स कैंडिडेट हों चाहे मेल कैंडिडेट हों, तो दोनों के लिए अपना किसान कोल्ड स्टोर में यानी खान सर के कैंपस वाले स्टोर में, तो वहाँ पर इस फ्राइडे से शाम में 7 से 9 अपना बैच स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर, 7 से 8, 8 से 9 आपका ट्रेड चलेगा। तो जो छात्र चाहें तो ऑफलाइन मोड में इसका फी दोनों मिला के मात्र 2100 रुपया है जिसके साथ में ऑनलाइन एक्सेस आपको फ्री में मिलेगा। ऑनलाइन एक्सेस साथ में फ्री में देने से क्या होता है, अगर उसी क्लास का एक्सेस मिलता है कि कभी आपका तबीयत खराब हो गया, कोई भी तरह का दिक्कत हो गया, क्लास आपका मिस नहीं होता है। और जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं तो 499 रुपया आप देख रहे हैं यानी 2100 रुपया में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों और 499 में सिर्फ ऑनलाइन आपको बैचेज मिलेगी और एग्जाम तक कहिए या 3 महीने के टाइम फ्रेम तक आपका चलेगा। इसके अलावा टेस्ट वगैरह का अलग से सुविधाएँ दी गई है, सैटरडे संडे को टेस्ट होती है, आपको देख लेना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अच्छे से आप मेहनत कीजिए, लगातार 3 महीने मेहनत कीजिए और 5 से 6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि
की रिजल्ट में कन्वर्ट करने का और एक सीट सुनिश्चित करने का प्रयास करने का। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आपका बुक भी संभवतः 2 से 3 दिन में सर आ जाएगा, संभवतः प्रैक्टिस वर्कबुक देख लेना है। बाकी सर ट्रेड का और कंप्यूटर से रिलेटेड चंद शब्दों में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों निश्चित रूप से ये समय बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है और बिना एक एक मिनट को गंवाए हम लोगों को पूरा लग जाना है और इस बार जो है आपकी नौकरी पक्की हो इसको हमने बिल्कुल ठान लिया है और आपको भी हमारे साथ ठान लेना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी ट्रेड में पढ़ना क्या है। बहुत बार आपकी शिकायत रहती है कि सर हम शुरुआत कहाँ से करें, तो मैं शुरुआत से ही आपकी चर्चा करता हूँ। सबसे पहले जब पढ़ाई शुरू आप करते हैं तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से पढ़ना चालू करिए। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बाद आप अंडरग्राउंड केबल को पढ़िए, यहाँ से भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल भी रहता है। अंडरग्राउंड केबल को पढ़ने के बाद तब आप साथियों कहाँ आइए, आप इल्यूमिनेशन पर आइए, ठीक है। आपका जो इल्यूमिनेशन 7 नंबर यहाँ पर, यहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। इल्यूमिनेशन जब आपने कंप्लीट कर लिया है तब आप एक साथ चले जाइए किधर, आप चले जाइए साथियों अर्थिंग की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो आपका इंडस्ट्रियल वायरिंग आ जाता है। फिर आप करिए साहब हमारी मशीन की वाइंडिंग है, सर्किट ब्रेकर है, अल्टरनेटर, एसी मशीन वाइंडिंग, डीसी ड्राइव, ठीक है। ये सब जो आपने कवर कर लिया उसके बाद आप ट्रांसफार्मर के पास पहुंचिए और ट्रांसफार्मर से पढ़ना चालू कीजिए। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब कई बच्चे समझते हैं सिर्फ वाइंडिंग, ऐसा करना भूल है। ट्रांसफार्मर आपको पूरी तरह से पढ़ना है, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से रहने की संभावना है साथियों, ठीक है। उसके बाद फिर आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, देन आपका हो गया पावर जनरेशन को कंप्लीट पढ़िए, फिर थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें कमांड करने के बाद तब आपको ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को भी पढ़ना है साथियों। तो कुल मिलाकर के ये सारे आपके चैप्टर्स हैं और ये सब बहुत वैल्यूएबल चैप्टर हैं। टोटल 50 में आप ध्यान रखिएगा 14 से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का होता है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपका यहाँ क्या है, अच्छे लेवल का होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। तो आप सब लोगों की जो क्लासेस होनी है ऑनलाइन में बुद्ध बैच के माध्यम से आपकी क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन की क्लासेस हमारी एक बैच 11 से आरंभ हुई थी बाजार समिति सेंटर पे, नई बैच हमारी 15 तारीख से किसान कोल्ड स्टोरेज मुसल्लपुर हाट साईं मंदिर के में आरंभ हो रही हैं। समय 7 से 9 PM का है साथियों। अब आप कहेंगे कि इतने कम समय में मेरा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, तो आपकी सैटरडे संडे में भी एक्स्ट्रा क्लासेस 3-3 घंटे की ट्रेड की चलाई जाएंगी। अमूमन मानकर चलिए तो 2 से 3 घंटे आपको ट्रेड के लिए समय देना पड़ेगा। आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको यह भी बता दूं, 50 ट्रेड के अलावे जीके से 10 क्वेश्चन आपका यहां पूछा जाता है, हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामर का पोर्शन है यहां पर। फिर हम अगर बात करें रीजनिंग की तो यहां से भी 10 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से आपका क्या रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है। तो टोटल हमारे पास 35 क्वेश्चन ननटेक के होते हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का होता है जिसके बारे में सूर्य सर बताएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे तो उसके लिए आपको विद्युत बैच से जुड़ना है। हमारे ऑनलाइन में इसी ऐप पर प्लेटफॉर्म है नवीन कुमार सिंह ऐप पर विद्युत बैच उपलब्ध है, इससे आप कंप्लीट तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। हमारी सारी टेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर उपलब्ध होती हैं। आप लोग बुक के बारे में पूछते हैं तो सर ने भी जैसा कहा है आगामी 2 से 3 दिन में हमारी बुक भी आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो आप सब मेहनत करिए, मन से पढ़िए और आपको अब कंप्यूटर के बारे में रणनीति बताने का काम सुजय सर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए नमस्कार दोस्तों, देखिए ध्यान से आप देखिए, कंप्यूटर जो है आपका ये 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और सिलेबस का हम एक बार आपको पहले भी डिस्कस कर दिए यूट्यूब पर, सेम सिलेबस का
आज इस बैच के साथ हम आपको बता देते हैं शॉर्ट वे में कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये 15 मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं। और क्वालिटी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, जैसा आपका प्रीवियस ईयर आया था उस पैटर्न पे हम आपको सब कुछ ए टू जेड कराने का काम करेंगे। पहला आपका क्या है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल का कहने का मतलब ये है कि इसमें बेसिक जितना भी कुछ होता है ये सब आ जाएगा। जैसे कि सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। मेमोरी पढ़ना है, यानी कि इसके स्टोरेज के बारे में, हार्ड डिस्क पढ़ना, इनपुट आउटपुट पढ़ना, और आपका नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टा क्या होता है, हेक्सा क्या होता है, ये सबसे आपका क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में। और ये सब हम आपको पूरा बारीकी से कराएंगे, यानी कि क्लास में ही सिखा देंगे आपको। अगला आपका क्या कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना है। हार्डवेयर मतलब क्या, जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। इसके बारे में पूरा का पूरा हम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद है नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, जो सबसे आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ये ऑफिस से ही आता है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको काम जो करना होगा ये ऑफिस में ही करना होगा, यानी कि एमएस एक्सेल में करना होगा। चाहे किसी का सैलरी बनाना हो, इंडेक्स बनाना हो, रिजल्ट तैयार करना हो, कोई और भी कुछ बनाना हो जो चार्ट के फॉर्म में दिखाना होगा तो वो हम यहीं पे दिखाते हैं। अगला है कि बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, मतलब जितना भी कुछ आप दुनिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे ब्राउजर उसमें क्या होगा, ईमेल का सर्विस क्या होगा, सर्च इंजन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आपका कि वेब सर्वर, कि हम कैसे एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कनेक्ट करते हैं, इसमें हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे। अगला है आपका नेटवर्किंग के बारे में, लैन वैन और मोडम क्या होता है। पिछले बार सिंपल क्वेश्चन मोडम से पूछा गया था कि मॉड्यूलेटर का वर्क क्या है, सिंपल बात में बोले तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में करना, बस इतना ही सा पूछा गया था। इस बार हो सकता है कि लैन और वैन से आपका क्वेश्चन बन जाए, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क से बन सकता है क्वेश्चन। अगला आपको सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब आप जितना भी काम कंप्यूटर पे करेंगे उस सब में आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई वायरस, कोई मालवेयर, कोई वाम, कोई इंटरनेट सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी से आपको बचना कैसे है, और जो आपका फायरवॉल होता है ये सब से बचाने का काम कैसे करता है, कैसे आपका डाटा पैकेट आता है तो ये फिल्टर करके आपके सिस्टम में एंटर करने देता है, ये सब के बारे में ए टू जेड पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। और कंप्लीट तैयारी करना है तो आप हमारे बैच के साथ जुड़िए, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको 15 नंबर कैसे आए एग्जाम में, इसके ऊपर हम आपको पूरा स्टडी कराएंगे। धन्यवाद दर्शकों।